ओके, लेट अस स्टार्ट। काइंडली ऑफ योर वीडियोस आफ्टर सम टाइम। यू विल, मैं आपको बोलूंगी, देन आफ्टर यू विल ऑन योर वीडियो। फर्स्ट ऑफ कर दो वीडियो अपने। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ मास। उसके पहले ओके, हियर मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, मास मतलब वेट। ये कितना, जैसे मोबाइल है, वाटर बॉटल है, कितना हैवी है उसका वेट, है ना। यू नो दैट, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट लाइन। यू नो दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट वेट्स मोर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट्स। इट्स अ क्लियर। हैवी कौन होता है, हैवी वेट किसका होता है, हैवियर वेट्स मोर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। जो लाइट वेट में रहता है उससे ज्यादा वेट जो हैवी रहता है, मतलब दिखने में ऐसे बड़ा, उसका वेट हैवी रहता है। ओके, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज हैवियर और लाइटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। और समटाइम क्या होता है, हम उसको ऐसे होल्ड करके या ऐसे टच करके ऐसे बहुत मुश्किल से बता पाते हैं कि कौन सा लाइट है और कौन सा हैवी वेट है ना। कौन सा हैवी वेट है और कौन सा लाइट वेट है, बहुत मतलब बहुत माइनर फर्क रहता है, बहुत कम, इसलिए हमें नहीं पता चलता। विच इज लाइटर, योर रूलर और योर पेंसिल। सबसे ज्यादा हल्का कौन है, जैसे आपका रूलर मतलब स्केल या पेंसिल, उसमें उन दोनों में से ऐसे आप पकड़ोगे तो क्या, मतलब हाथ में ऐसे होल्ड करोगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा आपको, नहीं पता चलेगा, दोनों आपको सेम वेट की लगेगी, है ना। बट ये फर्क है, विच इज हैवियर, योर वाटर बॉटल और योर लंच बॉक्स। शीतल ना, शीतल ना, विच इज हैवियर, योर वाटर बॉटल और योर लंच बॉक्स। और कौन सा हैवी है, आपका वाटर बॉटल क्या आपका लंच बॉक्स, वो हमें पता नहीं चलेगा। आपका लंच बॉक्स फिल किया हुआ है, वाटर बॉटल फिल है या एम्प्टी है, तो भी खाली है तो भी वो पता नहीं चलेगा कि कौन सा हैवी है और कौन सा हल्का है, लाइट वेट में है। सो सुटेबल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसीलिए यूनिट्स रिक्वायर्ड है, यूनिट की जरूरत है, ग्राम और ऐसे वो फाइंड किए गए ताकि हमें सही वेट उसका पता चले, है ना। नेक्स्ट पेज, यूनिट ऑफ मास। मास मतलब वेट, मास मतलब ठोस, ऐसे वेट, है ना। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है मास का, ग्राम, GRAM, ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है मास का, ग्राम। 1000 ग्राम्स मेक अ किलोग्राम। एक 1 किलोग्राम कैसे बनता है, 1000 ग्राम से। हम 1000 ग्राम्स एक साथ वो करेंगे तब जाके 1 किलोग्राम बनेगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, द यूनिट ग्राम इज यूज टू मेजर वेट्स ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स। द यूनिट किलोग्राम इज यूज टू मेजर वेट्स ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट्स। ग्राम यूनिट का यूज कैसे होता है, लाइटर ऑब्जेक्ट, जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करने के लिए, उसका वेट मेजर करने के लिए ग्राम यूनिट का यूज होता है। और किलोग्राम यूनिट का यूज कैसे कहाँ होता है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है, जो जिसका वेट भारी है, जो हैवी है उसको, उसका वेट मेजर करने के लिए किलोग्राम ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ग्राम इज रिटन एज जी। ग्राम को कैसे शॉर्ट में राइट करेंगे, जी, जी फॉर्म में, ऐसे स्मॉल जी फॉर्म में। एंड किलोग्राम इज रिटन एज केजी। और किलोग्राम को कैसे राइट करेंगे, केजी। ओके, ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल, एन इरेजर और एन शार्पनर वेट अ फ्यू ग्राम्स, है ना। फ्यू ग्राम से रहती है, किसका वेट फ्यू ग्राम्स रहता है, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर का वेट
फ्यू ग्राम्स रहता है, थोड़ा सा मतलब कुछ ग्राम रहता है, 1 या 2 ग्राम। और ऑब्जेक्ट सच एज स्कूल बैग, अ चेयर, टेबल वेट अ फ्यू किलोग्राम, जैसे आपके स्कूल बैग का वेट, चेयर का वेट, टेबल का वेट, उसका वेट कैसा रहता है? फ्यू किलोग्राम्स, वो किलो में मतलब मेजर होते हैं, उसको ग्राम में नहीं, बहुत ज्यादा हल्का नहीं होता, उसका वेट थोड़ा लगता है। आपकी भी स्कूल बैग, चेयर और टेबल का वेट रहता है। ओके, एंड इरेजर वेट अबाउट 20 ग्राम्स। सी, यहाँ पे ग्राम लिखा है ना, तो ग्राम हल्का, 20 ग्राम्स किसका वेट होगा? इरेजर का। स्कूल बैग वेट 4 kg, अबाउट 4 kg, एग्जैक्ट नहीं है ये, बट अबाउट लिखा है, मतलब अप्रोक्स 4 kg, आगे अबाउट लिखा है तो अप्रोक्स नियर टू 4 kg या 3-4 kg के बीच में भी हो सकता है। नेक्स्ट, अ स्टूल वेट अबाउट 15 kg, और स्टूल का वेट कितना होगा? नियर टू 15, मतलब 15 से आगे या पीछे भी हो सकता है। नेक्स्ट, फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस, और फिजिकल बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेट। आप सबने देखा होगा ना ये सब, ये जो देखो यहाँ पे नीचे तराजू बोलते हैं इसको, है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल बैलेंस। ये ऐसा आप सबने देखा होगा कहाँ पे? सब्जी वाले के पास, शॉपकीपर के पास, ऐसे किराने की शॉप के पास, ऐसे मतलब अब तो वो इलेक्ट्रिकल हो गए, बट सब्जी वाले के पास मोस्ट ऑफ रहता है, तो आपने ये वेट करने का देखा होगा, है ना। इसमें कैसे वेट करते हैं? एक तरफ से ऐसे 1 किलो और ऐसे बाट वो रहते हैं उसके मेजर के, बाट बोलते हैं जिसको, वो रखते हैं और दूसरी साइड कोई चीज रखते हैं, है ना। जैसे 1 किलो का बाट रख दिया या 500 ग्राम्स का एक साइड रख दिया, और दूसरी साइड जैसे हमें एप्पल चाहिए तो एप्पल रख दिए, और जब 500 ग्राम्स नियर इक्वल हो जाएंगे एप्पल का वेट, तब वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा वो तराजू। आपने देखा नहीं होगा ना, तो ऐसे कभी मम्मा के साथ या पापा के साथ कभी जाओ तब वॉच करना। ओके, सो दिस इज द फिजिकल बैलेंस, ये तराजू है, इसमें ऐसा होता है, अगर एक साइड वेट ज्यादा हो गया तो एक साइड, जिस साइड वेट ज्यादा है